हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा लिमिटेशन और क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना है अगर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया का तो क्या रहेगा, यानी लिमिटेशंस क्या हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया के, या फिर क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्या है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना है अगर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया का तो कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, लिमिटेशन और क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। फर्स्ट है लिमिटेड स्कोप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो रोल है या स्कोप है वो एक लिमिट तक है, ठीक है, लिमिटेड है, कोई ज़्यादा एक्सपेंडेबल इतना वो नहीं है कि सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसके ऊपर बेस्ड हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। आगे है लिमिटेड रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, कि जो हम देखो ये सिर्फ इसका रोल है, मॉनेटरी पॉलिसी का रोल है कि वो क्रेडिट कंट्रोल करती है, ठीक है, और मार्केट में मनी सप्लाई को देखती है, उसको कंट्रोल करती है, लेकिन इन्फ्लेशन नहीं कंट्रोल कर सकती, मतलब कि करती है एक लिमिट में करती है, ठीक है, तो लिमिटेड रोल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। पुअर बैंकिंग हैबिट्स, देखो आज के टाइम में जो इंडियंस जो हैं वो है उनकी जो बैंकिंग हैबिट्स हैं वो बहुत पुअर है, मतलब लोग बैंक्स को नहीं प्रेफर करते। बैंक्स क्रिएट क्रेडिट आउट ऑफ डिपॉजिट मेड बाय पब्लिक, बट पीपल इन इंडिया प्रेफर टू मेक यूज़ ऑफ कैश रादर देन चेक्स। लेकिन जो इंडिया के अंदर जो है ना बैंकिंग हैबिट्स बहुत कम है, लोग बैंक्स को ना कम प्रेफर करते हैं, चेक्स को कम प्रेफर करते हैं, जबकि वो कैश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो बैंकिंग हैबिट्स पुअर है, ठीक है, लोगों की इंडिया में। अंडर डेवलप्ड मनी मार्केट, जो मनी मार्केट है हमारी वो अंडर डेवलप्ड है। देखिए, मनी मार्केट इज़ द मार्केट वेयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, आरबीआई सिक्योरिटी एटसेट्रा आर परचेज एंड सोल। यहाँ पर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ वगैरह, ट्रेजरी बिल्स वगैरह को परचेज किया जाता है, सेल किया जाता है। और जो वीक मनी मार्केट्स लिमिट्स द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो वीक मनी मार्केट्स हैं वो क्या लिमिट करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी ढंग से वर्क नहीं कर पाती वहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि जो मनी मार्केट है हमारी अंडर डेवलप है, इसलिए वो जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको वहां पर एफिशिएंटली वर्क नहीं करने देती, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक मनी, तो देखिए ब्लैक मनी बढ़ती है, मॉनेटरी पॉलिसी का एक लिमिटेशन है कि इससे जो है ब्लैक मनी इंक्रीज होती है, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक मनी इन द इकोनॉमी लिमिट्स द वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को काम करने से रोकती है जो हमारी काला धन है, ठीक है, ब्लैक मनी। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, ठीक है, मतलब कई इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट उठा दिए जाते हैं। एन इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अराइजेस फ्रॉम इट्स कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट द मॉनेटरी पॉलिसीज टू बी एक्सपेंशनरी, मनी सप्लाई हैज़ टू बी इंक्रीज बट कॉन्ट्रारी टू इट। मनी सप्लाई इंक्रीज होती है बट कॉन्ट्रारी टू, इसके उल्टा मतलब है, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइस स्टेबिलिटी और टू कर्ब इन्फ्लेशन। देखिए प्राइस स्टेबिलिटी को जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए, इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए मनी सप्लाई हैज़ टू बी कॉन्ट्रैक्टिव, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो जो ऑब्जेक्टिव है ना इसे कॉन्फ्लिक्टिंग है, इसलिए ये इसकी एक लिमिटेशन है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद फिशल पॉलिसी, जो हमारी फिशल पॉलिसी है ना उसके साथ ये क्या करती है, कोऑर्डिनेशन बनाकर नहीं चलती, ठीक है। आगे है लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, मॉनेटरी जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी कई सारी लिमिटेशन है, उसकी सीमाएं भी इसकी सीमाएं बन जाती है। एन इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड टू द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, द मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स आर ऑलरेडी सो हाई दैट द स्कोप फॉर फर्दर इंक्रीज इन दैम इज लिमिटेड। जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है लोन का वो हाई है, इसलिए जो है स्कोप फॉर द फर्दर इंक्रीज इन इज देन लिमिटेड, तो जो इंक्रीज होने का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। इफ सीआरआर एंड एसएलआर आर फिक्स्ड हाई देन इट विल बी बैडली अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक एंड बैंक विल बी लेफ्ट विद लेस सरप्लस फंड टू लैंड एंड दस कैन नॉट लैंड मच
देखिए, जो अगर मान लो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है जैसे CRR और SLR है, अगर उसको हाई फिक्स कर देंगे तो बैंक को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उसमें बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को नुकसान होगा। तो जो ये जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट हैं CRR SLR जो भी है, इसकी बैंक रेट वगैरह, उसके कई सारे लिमिटेशंस हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी के भी लिमिटेशन है। नॉन मोनेटाइज सेक्टर, इफ इन नॉन मोनेटाइज सेक्टर ट्रांजेक्शन्स आर कंडक्टेड थ्रू बार्टर एक्सचेंज। देखो, जहाँ पर मनी का यूज़ नहीं किया जाता वहाँ पर बार्टर एक्सचेंज आता है। बार्टर एक्सचेंज के अंदर आप मॉनेटरी पॉलिसी को लेके नहीं आ सकते, तो नॉन मोनेटाइज सेक्टर के लिए तो ये लिमिटेशन है, ठीक है। लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी, जहाँ पर मान लो लगा लो बैंकिंग फैसिलिटीज़ अगर कम है तो मॉनेटरी पॉलिसी भी ढंग से वर्क नहीं कर पाएगी। परसुएसिव पॉलिसी, देखिए ये परसुएसिव पॉलिसी है कि परसुएड करती है आगे सम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल लाइक मोरल परसुएशन, लोन फॉर प्रायोरिटी सेक्टर, लोन फॉर वीकर सेक्शन एक्सेट्रा आर द परसुएसिव एंड नॉट कंपल्सिव इन नेचर। देखो, परसुएसिव है, जब कोई चीज़ कंपल्शन में होगी ना तो वो अच्छे तरीके से चलेगी, लेकिन अगर कोई चीज़ परसुएसिव है ना कि किसी को मनाना पड़ेगा तो पता नहीं माने ना माने तो तरीके से नहीं चलेगी, वो लिमिटेशन है उसकी। इम्बैलेंस इन क्रेडिट एलोकेशन, क्रेडिट एलोकेशन में इम्बैलेंस, किसी को हमने ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया और किसी जिस सेक्शन को चाहिए था उसे क्रेडिट कम प्रोवाइड कर दिया, तो दैट मीन्स हमने क्रेडिट एलोकेशन में बैलेंस स्थापित नहीं किया। आगे है पुअर इम्प्लीमेंटेशन, जो बैंक्स डू नॉट कॉपरेट विद RBI इन इम्प्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, सो इट हाइंडर्स द सक्सेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो बैंक हैं वो प्रॉपर तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, सो ये भी एक क्या है, कारण है कि लिमिटेशन है और अच्छी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी वर्क नहीं कर रही है, ये उसका कारण है। एक इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक सफर फ्रॉम मैनी लिमिटेशंस, इट रिक्वायर्स इम्प्रूवमेंट इन मैनी डायरेक्शन। बहुत सारी इसको मतलब इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बहुत सारी इसके अंदर कमियां हैं। सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट मेयरली अ क्वेश्चन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। देखो, सक्सेसफुल अगर मॉनेटरी पॉलिसी को सिर्फ हम इस चीज़ से मांग के नहीं चलते हैं कि हमारे पास क्रेडिट कंट्रोल कितने सारे इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ ऑल्सो ए क्वेश्चन ऑफ जजमेंट विद रिगार्ड टू टाइमिंग एंड डिग्री ऑफ कंट्रोल रिक्वायर्ड और सेशन नीड, कि डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना है इसके अंदर। हाउएवर पास्ट एक्सपीरियंस शोज दैट RBI रिजर्व बैंक क्रेडिट रेस्ट्रिक्शंस हैव ऑलवेज फॉलन शॉर्ट ऑफ रिक्वायर्ड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल, हमेशा ये कमी दिखाते हैं कंट्रोल में, ठीक है। तो कई सारे इसके अंदर क्या है, लिमिटेशंस हैं RBI की मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन, आपका क्वेश्चन आएगा मान लो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, क्रिटिकली इवैल्यूएट द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया या ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भी है आपको क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया है वो किस तरीके से अच्छे से वर्क नहीं कर रही, उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, क्वेश्चन आता है आपके पास, वरना ये सिंपल यहाँ पर लिखा होता है लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है। नई बुक है इसलिए यहाँ पर क्रिटिकल इवैल्यूएशन साथ में दे रखा है, ठीक है। तो हमने कुछ लिमिटेशंस पढ़ी, लिमिटेड स्कोप ऑफ मॉनेटरी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिमिटेड रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, पुअर बैंकिंग हैबिट्स, अंडर डेवलप्ड मनी मार्केट, एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक मनी, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद फिसल पॉलिसी, लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, नॉन मोनेटाइज सेक्टर, लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज, परसुएसिव पॉलिसीज, इम्बैलेंस इन क्रेडिट एलोकेशन, बहुत सारी कुछ लिमिटेशन है जो मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा जो है अच्छे तरीके से वर्क नहीं करने देती और क्रिटिकली उसको मतलब क्रिटिकली एक प्रदर्शन करती है मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो थी, आई होप आपको क्लियर हुई होगी कौन कौन सी लिमिटेशन है, क्रिटिकली इवैल्यूएशन कैसे करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया की, और आपको शायद अच्छे से समझ में आया हो आज का टॉपिक। अगर स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए।
और चैनल पे अगर कुछ आप अपने सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।